कैसा रहता है रोहित शेट्टी के सेट्स का माहौल। गोलमाल 4 में क्यों नहीं दिखी थी करीना, क्या एक्सपेक्ट करती है ऑडियंस गोलमाल 5 से। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। गोलमाल 5 की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम इस पूरी फ्रेंचाइजी के फैक्ट्स को रिवाइंड कर ले। आखिरकार बहुत कम ही ऐसे सीक्वल होते हैं जिनकी हर मूवी हिट होती है। ये बात हम में से काफी कम लोगों को पता होगी कि गोलमाल फिल्म का नाम कहां से दिया गया है। दरअसल गोलमाल नाम इस मूवी के लीड एक्टर्स के नाम से लिया गया है, गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लकी। फिल्म गोलमाल में अजय देवगन की एंट्री सीन उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे को एक ट्रिब्यूट था, जिसमें स्टंटमैन और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन ही थे और उसे इनके पिता वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि ये मूवी के इमोजीज उसके वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर स्काइप में यूज किए जाने चाहिए और वहीं से स्काइप पर शुरू हुआ बॉलीवुड इमोजीज का ट्रेंड। रोहित शेट्टी की गोलमाल अजय देवगन की कॉमेडी दुनिया में वापसी थी क्योंकि उसके पहले वो आखिरी बार 2004 की फिल्म मस्ती में कॉमिक रोल में दिखे थे। गोलमाल फ्रेंचाइजी का हर पार्ट किसी दूसरी मूवी या सीरियल का मिमिक है। इसके एक पार्ट में फिल्म ब्लैक के किरदार को कॉपी किया गया था। गोलमाल रिटर्न्स में तो करीना कपूर ने एकता कपूर के सास बहू सीरियल से डायलॉग्स लिए थे और तो और गोलमाल 3 में मिथुन चक्रवर्ती ने उनका ही गाना डिस्को डांसर इमिटेट किया था। गोलमाल सीरीज का फोर्थ पार्ट अजय देवगन और रोहित शेट्टी का 10th कोलैबोरेशन है। इसके पहले ये लोग जमीन, संडे, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस, गोलमाल फन अनलिमिटेड, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, बोल बच्चन, सिंघम और सिंघम रिटर्न्स में साथ दिए थे। गोलमाल अगेन में तब्बू ने आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन का यूज तक नहीं किया था। उनका कहना था कि सेट पे लोग हमेशा मजाक मस्ती और उनके ऊपर प्रांक्स करते रहते हैं, लेकिन बाद में वो सब लोग प्रांक्स करते करते थक गए और फिर तब्बू भी सबके साथ फन में शामिल हो गई थी। रोहित शेट्टी की मूवी में काम करने का मतलब है कि मस्ती धमाल और गोलमाल तो होगा ही। इसी के चलते तो सेट पर लीड एक्टर्स ने भी बड़ी मस्ती मजाक किए थे। एक बार तो प्रैंक के कारण परिणीति भी तुषार से रूठ गई थी, लेकिन बाद में आपस में बात करने के बाद उन्हें मना लिया गया था। जब इस फ्रेंचाइजी को नील नितिन मुकेश ने ज्वाइन किया था तब सब लोग क्रू में बेहद खुश थे। यही नहीं, परिणीति ने तो फिल्म के सेट पर उनका स्वागत उनके लिए गोलमाल का टाइटल ट्रैक गा के और फिल्म का हुक स्टेप करके किया था। तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य ने तो उनके साथ रामोजी फिल्म सिटी और हैदराबाद शूट्स के लिए उनको अकम्पनी भी किया था और वो लक्ष्य का 10 महीने के इंटरवल के बाद का डे आउट था। तुषार ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ उस दौरान फोटोज भी शेयर किए थे। अजय देवगन, अर्शद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, तारा, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी गोलमाल अगेन की शानदार ओपनिंग के बाद ही ये तय हो गया था कि गोलमाल 5 बनेगी ही बनेगी। इसी के बाद से फैंस ने गले लगानी शुरू कर दी थी कि करीना कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी। इसका जवाब अजय देवगन ने खुलकर देते हुए कहा कि बतौर को एक्ट्रेस उन्होंने करीना कपूर को सेट पे काफी मिस किया, इसलिए इसके पूरे चांसेस हैं कि करीना इस मूवी में दिखाई देंगी। जबकि रोहित शेट्टी ने कहा कि करीना कपूर की वापसी फिल्म की स्टोरी लाइन पर डिपेंड करेगी। वहीं गोलमाल सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे तुषार कपूर ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने करीना को बिल्कुल भी मिस नहीं किया क्योंकि उनका बेटा लक्ष्य और करीना सैफ के बेटे तैमूर अच्छे दोस्त हैं और साथ साथ खेलते हैं, इसलिए इन दोनों की मुलाकात लगभग रोज ही हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के रोल तब्बू और परिणीति निभा रही हैं उनमें करीना फिट नहीं बैठती, इसी वजह से उनका नेक्स्ट पार्ट में होना बेहतर होगा। रोहित शेट्टी आगे कहते हैं कि बेबो यानी करीना को मिस सेट पर सबने किया था क्योंकि वो बहुत हस्ती में घुलती मिलती हैं सबके साथ में, उनके होने से सेट का माहौल काफी लाइट रहता है। आगे उन्होंने फैंस को ही कहा कि जब आप गोलमाल 5 देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि करीना उस रोल में कितने कमाल कर दिखाती है। करीना से उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनके अनुसार करीना आगे भी उनकी प्रोडक्शन की कई फिल्म्स में नजर आती रहेंगी। कैसे रोल में नजर आएंगी करीना इस बार, क्या खास लाएंगे रोहित शेट्टी अपनी फ्रेंचाइजी के 5th पार्ट में, क्या कोई नया मेंबर भी सीक्वल में जुड़ने वाला है? हमारे प्यारे व्यूअर्स, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनुष्का।